अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मौजूद हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है फिल्टर कॉपी की रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज, रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज, अजवाजी जिंदगी बामुकाबिल हराई बना। अरे पर माँ आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटा, अच्छा अटेंशन चाहिए, तुम्हारे लिए बनाई है। ठीक है माँ, मैं खा लूँगा। Do you think we are at that stage of our life where we could lose some company? No? I was thinking the same thing. Let's get a dog! Horse! Horse? ये तो यार मैंने ना वॉचमैन से बात कर ली, उसको पैसे दे दिया, उसका काम भी सॉल्व हो जाएगा। And now then we'll have such a stable relationship. Baby, do you feel like it? Well, maybe it's time to bring someone else into our life. I was thinking the same thing. Really? What? I'm so excited. Let's have a baby. I found the perfect. अरे यार अनीता, मैं घोड़े की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे घोड़ा क्यों नहीं लेने दे रहे हो? वो वॉचमैन तो मुझे अभी भी ताना मारता है कि साहब आपका घोड़ा तो आए। अच्छा भाई। निखिल। हाँ? ये क्या हालत बना रखी है? बैठने तक की जगह नहीं है। एक सेकंड, चादर छान देगा। ये लीजिए मैडम, आपका 3x4 का बेड स्पेशली कस्टमाइज फॉर यू। ये आई एम जस्ट सो ग्लैड वी केम टू स्टूडियो पेपर फ्राई। तो ये लाते सोफा है। ठीक है? ये नहीं ना, कोई लंबा लेते हैं, सुन ज्यादा क्यों नहीं बैठने के? हम भाई तो है। हेलो सर। हेलो मैम। तो अगर आपको ये छोटा सोफा पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमारा बड़ा सोफा ले सकते हैं अलॉन्ग विद दैट सिग्नेचर। अगर आप चाहें तो वी कैन क्रिएट अ सेट फॉर माय कलेक्शन स्पेशली कस्टमाइज्ड फॉर यू। कस्टमाइज्ड? ए यार, वी आर लाइक ब्रदर्स मैन, सेम थिंकिंग। मेरी मॉम का फोन है, रेट उठा ले। हां मां, कैसा है बेटा? अच्छा मां, बस दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूं। दोस्तों के साथ चिल ही करते रहो, सारी वाली का कुछ होता नहीं है। आप मुझसे कब शादी करवाओगे? अरे मुझे तो नहीं चाहिए। अरे मैं नहीं तो तू ही ढूंढ लेना। वो क्या अमीता अमीता कौन उनसे से बात कर रहा है आजकल? क्या बोलती रहती हो यार माँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ माँ। कैसा है अमीता? हाँ माँ बताओ। अच्छा वो तब झूठ बच्चों का कुछ बोल रहा है। अब तो मेरी शादी भी हो गई है, कुछ खुद ही कुछ सुना दे। मेरी तो मोटा बोलनी चाहिए। माँ मैं एक काम करता हूँ, अपना फोन रखो, मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है? मतलब शादी करने की जरूरत क्या है? जस्ट टू लीगलाइज माय रिलेशनशिप? नहीं, शादी के तो पक्ष होते हैं ना, जैसे कि घर आसानी से मिल जाता है, जैसे कि मुझे घर उस वॉचमैन है जब मैं लेट रात आती हूँ तो मुझे लुक्स नहीं देता है। क्या बट दोज आर नॉट रियली रीजंस। मैरिज टू हिम हैज़न्ट एग्जैक्टली बीन सो बैड। सो शी लव्स मी। Shit. Huh? What are you doing? What? What? No! 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 Actually, an experience of your favorite furniture with a clean.
मेरी कुर्ती पे खर्चा करो बोलो मैं क्या बोलूं शादी में नहीं तो तब क्या हो रहा होता है और जब आप शादी में हो जाते हो तब आप क्या होता है कि शादी से पहले ही होते माँ बोल रही होती है भाई कि बहू दिखा दो बहू दिखा दो बहू दिखा दो शादी के बाद दिखाए कि माँ बोल रही होती भाई बच्चे हो जाए हाँ उसके अलावा कि आप जब साथ होते हो लड़की के तो आप प्रेफर करते हो कि भाई वो एक बेड दिखाया था उसने जो नीचे बनाया था और भाई जब वो शादी के बाद जो सोफा खरीदने का तो बोला यार ये तो छोटा है बड़ा बड़ा मतलब डिफरेंस दिखाया गया रिश्ते में जब आप होते हो तब आप कैसे एक्ट करते हो और जब आप शादीशुदा हो जाते हो तब आप कैसे एक्ट करते हो अच्छा 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 मेरे तो ज़्यादा वो नहीं हुआ तो बहर ओवरऑल क्या कहते हैं अच्छा मुझे समझ में आया जो तुमने समझाया और जो मैंने देखा भी इसके अंदर क्योंकि इसमें इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे थे बोलो ना तो मेरे पर से फास्ट बोल रहे थे इतना समझ नहीं आता कि वर्डिंग क्या है कि वो जुमले जो इस्तेमाल मैं पकड़ता हूँ चीज़ें जुमलों से ना उसकी साख से क्या है वाले जो सीन है इसमें ये बेड बनाता है हाँ, नीचे ये तो मैं देखा है कोजी सा जब वो ये बेड शादी के बाद जो सोफा लेने जा रहे हैं तो यार बड़ा सोफा लो बड़ा हो गया दो चौथे दो ही बैठेंगे क्योंकि कल को कभी बैठेंगे तो उसमें वो होगा उसमें क्या होता है कि उसमें वो सोच रहा था कि यार नहीं कह रहा था आगे पीछे की भी करना था उसमें डिफरेंट तरीके से दिखाना मतलब शादी से पहले ये होता है आप बड़े अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरीके से रहते हो घुस घुस के रहते हो शादी के बाद होता है उसका सिस्टम सोचिए नॉर्मल से होता है यार खैर अब तो शादी घर में ही रहती है हकीकत भी ना मगर ये लगता है कि शायद हम उससे अलग या थोड़ा सा दूर या डिस्टेंस या फिर जब शादी नहीं होती तो उसके बाद से हर बात मैंने देखा ना कि लोग 24 घंटे फ़ोन पे लगे हुए हैं डार्लिंग जानू कैसी हो ये है वो उसके और ये जब डार्लिंग या बीवी बन जाती है हाँ जी बोलो क्या अच्छा अच्छा मैं कहता हूँ बीबीसी बहुत ज़्यादा बात करता हूँ ट्रक फोन कर दिया उसके अंदर मगर फ़र्क उसमें फ़र्क ये है कि वो अगर वो आपको कटा भी रहा है कर रहा है तो मगर जो काम कर रहा है वो आपके लिए ही कर रहा है और वो जो सिंसियर है भरी अभी यहाँ पे कटा दिया उसने मगर उसके दिल में होती है आपको थोड़ी तकलीफ होगी ना तो अब चूंकि उसके रिलेशन में आप आ गई हैं जिम्मेदारी तो तकलीफ उसको होगी आपके ना उसके अंदर आप ज़रा भी कुछ होगा तो वो उस ऑटोमेटिक चीज़ उस पर ना शिफ्ट हो जाएगी हो जाएगी तो ये ये खूबी है जब आप रिलेशन में आ जाते हैं उसकी तो भाई क्या मैं तो कह रहा हूँ रिलेशन में आना चाहिए वो उसको उसको मजबूत करना चाहिए और सम टाइम अब वो चीज़ें नहीं रहती ना जो पहले क्या कहते हैं साफ पे रहता बंदा क्योंकि वो चंद घंटों के लिए होता है ना अब वो देखे ना कोई भी चीज़ हो कोई दुनिया की कोई भी चीज़ हो जो आपकी थोड़ी आपको कहा जाए कि दो घंटे के लिए है तो आप कोशिश करके उसको एक्साइटमेंट हो गया फितरी इंसान होती है फितरत होती है ना और वो कहता है बस ये अब आपकी है अब उसकी उसे पता नहीं आप तो ये मेरे पास अच्छी शागिर मैंने बोली कि फॉर एग्जाम्पल आप एक फोन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हो फॉर एग्जाम्पल आप कोई आप फोन के लिए एक्साइटेड हो रहे हो एक बंदा आपको होता है रियल एग्जाम्पल है ये पहले ही बता रहे हैं एग्जाम्पल तो आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो आप उसको बड़ा संभाल कर रखोगे कोई नहीं बोला आपको बोले यार दो दिन के लिए तो अपने बारे में हो रहे भाई हायर हो गई ये है वो जब वो चीज़ आपको मिल जाती है जब फोन आपके पास आ जाता है स्टिल ये एग्जाम्पल है तो जैसे मेरे को ये आ गया मैं इसकी कोई केयर नहीं करता हूँ गिर रहा है टूट रहा है पड़ा लोग मुझे बोलते हैं मगर आपको पता है कि आप उसे प्यार करते हैं आप कोई और मांगे तो नहीं दोगे आप कोई और करोगे तो उसकी कदर और उसकी कदर आपको वो हमने भाई मैं समझ लेता हूँ कोई और गिर गया हो गया तो एहसास होता है ना उस चीज़ का अपनी चीज़ का ना यही मेरी है तो अब बस ये है कि आप थोड़ा सा केयरलेस तो नहीं कर सकते अच्छी चीज़ ये फितरी बात होती है अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि जब आप रिश्ते में हो और वही उसी इंसान से आपकी शादी हो रही है तो उससे दुगना मेरे ख्याल से उस आपको क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती नहीं देखो प्यार सिर्फ ये नहीं कि चौचलेबाजी करता रहे कि अरे बेगा मोहन मैं तो यूँ आने को वो भी तो प्यार है ना कि अगर वो पहले दो घंटे काम करता अब वो छः घंटे काम कर रहा है तो ये आपके प्यार की वजह से ही कर रहा है ना अच्छा फिर कोई आपको तकलीफ होती है तो पूरा तरह जागता है आपके लिए चाहे वो बीवी हो जाती है उसको कोई प्रॉब्लम आती है आप कोई हॉस्पिटलाइज हैं या आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो भी इतना ही आपकी तरह परेशान क्योंकि आपके साथ आप गाड़ी के दो हिस्से होते हैं ना पहिए होते हैं ना सीरियस बातें कर रहे हैं आजकल हम तो ये एक अच्छा चीज़ है रिलेशन बहुत ज़बरदस्त होता है और ये कोई सोचे ना कि यार मुझे टाइम नहीं दे रहा या मुझसे कट रहा है मगर मैं क्योंकि मैं भी शादी से मुझे मालूम है ना क्योंकि हमने तो दोनों चीज़ें गुजारी है शुरू का लाइफ भी और आप कट के माशाल्लाह बच्चे भी हो गए तो जब बच्चे होते हैं तो बंदा और ज़्यादा क्लोज हो जाता है क्योंकि उसके बच्चों की माँ होती है पहले तो सिर्फ उसकी बीवी थी
अब बच्चे हो गए, अब उसकी बीवी भी है, अब उसके बच्चे की माँ भी है, तो क्या और बढ़ गया आपका प्यार उसके अंदर? तो ये हम कैसे सोच सकते हैं कि यार ये मुझे टाइम नहीं दे रहा या मुझे वो नहीं कर रहा या पहली तरह वो मोहब्बत कर रहा? तो पहले टाइम होता ना, देखो हर चीज़ की अलग अलग चीज़ें होती हैं। शुरू में पता क्या, ये अभी 6 घंटे के लिए आई है, ये अभी मेरे पास बैठ नहीं सकती, मेरे पास रह नहीं सकती, ये मेरे पास अभी 2 घंटे की आएगी, घर पर फोन आ जाएगा, भाग जाएंगे क्योंकि वो आ जाएगा कर जाएगा। तो बंदा कहता है यार जो थोड़ा टाइम है मैं अच्छा टाइम दूँ। सपोज मिसाल मैं बताता हूँ मैं आपको कि आपका कोई बच्चा है और वो गया हुआ है किसी हॉस्टल में पढ़ता करता, और वो दो महीने में या साल में बाद आता है, या बाहर कोई आपका शोहर रहता है बाहर मुल्क के अंदर, या आपकी कोई पेरेंट्स बाहर रहते हैं, जब वो पाकिस्तानी हिंदुस्तान जब वापस आते हैं तो हम उनकी दावतें भी कर रहे होते हैं, उनके अच्छे से ख्याल भी रख रहे होते हैं, उनका सोने का, उनका बैठने का, उनका खाने का, उनका पीने का, उनके दोस्तों का, मिलने का, वो चीज़ अच्छी कर रहे होते हैं, और वो बोल रही है ना अब मैं मुस्तकिल तौर पर घर पर ही आ गया हूँ। अब वो तो नहीं करेंगे ना अपना, तो वो पता क्या घर पर ही जाती है, फिर वो शेड्यूल हो जाती चीज़ें ना। तो ये फर्क होता है, बहुत अच्छी वीडियो। आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, जो जो शादीशुदा हैं। मेरा तो नहीं है ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ भी और बोल दो, आप जब हमारे कमेंट्स करते हैं या मोहम्मद की कोई बात आपको समझ में आती है या कोई अच्छी लगती है या कोई बुरी लगती है, तो आप उसमें नाम मैंशन कर बताया करें हमें ना, और मेरी भी बात कोई अच्छी या कोई बुरी लगती है कोई जिससे आप इख्तलाफ करते हैं तो आप करें, मगर दलील के साथ, मफरूजे पे नहीं ना उस पर, और बताया करें, और हमें बड़ी खुशी होगी कि अच्छा उस पर ज़रा अल्फाज को तय ज़रा अच्छा किया करें उसके अंदर ना, ये समझाने के लिए बहुत से कुछ और सोचते हैं। और फिर एक चीज़ और कि हमारी जो बात होती है वो सिर्फ आपको इंटरटेन करना और समझाना, हम अपनी तरह से सब हो सकता है क्योंकि हम कोई अकेले कुल नहीं है, तो हम गलत भी हो सकते हैं, मतलब और हमें आप क्या कहते हैं कायल करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, बताएंगे कि वाकई में यहाँ पर मैं गलत था उसके अंदर। बस ये बात आज से आप नहीं, फिर मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।